इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीमेल में आप अपना फोन नंबर कैसे ऐड या अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब जीमेल अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि फोन नंबर ऐड करें या ना करें, उन्होंने मैंडेटरी नहीं रखा है। लेकिन बाद में आप इसे ऐड करना चाहते हैं फोन नंबर को, ताकि इससे बहुत सारे सहूलियत होते हैं। जैसे कि आप जीमेल का पासवर्ड भूल गए तो क्या होता है कि पासवर्ड चेंज करने में आपका फोन नंबर बहुत मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने जीमेल एड्रेस में यदि फोन नंबर ऐड नहीं किया है तो उसे ऐड कर ले, और यदि आपका फोन नंबर वो फोन नंबर है जो आपका अभी चालू नहीं है, राइट, तो नए फोन नंबर को अपडेट कर ले। तो इसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम नए फोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं या फिर नए फोन नंबर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जीमेल अकाउंट में यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉग इन कर जाना है। लॉग इन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आपका प्रोफाइल पिक होगा, राइट, वहां पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। गूगल अकाउंट में क्लिक करने के बाद जो पर्सनल इन्फो है लेफ्ट साइड में जो मेनू बार है, पर्सनल इन्फो, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ देख सकते हैं फोन वाली सेक्शन, ऐड अ रिकवरी फोन टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मैंने फोन ऐड नहीं किया था अकाउंट ओपन करने के समय, तो मैं अभी नया फोन ऐड कर रहा हूँ। इनके साथ आपने ऐड किया होता तो जहां पे फोन लिखा हुआ था वहां पे आपको फोन नंबर दिखता, वहां पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते थे। तो यहां मैं क्लिक करता हूँ ऐड रिकवरी फोन, ठीक है। तो ये फिर से आपको पासवर्ड मांगेगा लॉग इन करने के लिए, तो मैं फिर से लॉग इन कर लेता, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से लॉग इन हो जाऊं, ठीक है। अब फिर से हमें क्लिक करना ऐड रिकवरी फोन, यहाँ पे कंट्री कोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देख रहे हो कि कंट्री का जो फ्लैग है वो हमारे इंडिया का दिख रहा है। यहाँ पे हमें वो फोन नंबर ऐड करना है, यहाँ पे एंटर करना है जो हम बेसिकली अपडेट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 डिजिट का जो फोन नंबर है मेरा वो मैंने एंटर कर दिया है। आप मेक श्योर कि ये नंबर आपका काम कर रहा होगा, ठीक है ना। काम नहीं करेगा तो दिक्कत है, क्योंकि इस पे गूगल क्या करेगा, ओटीपी भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। तो जो वर्किंग नंबर है वही क्लिक वही आपको एंटर करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, टू मेक श्योर दिस नंबर इज योर्स गूगल विल सेंड यू अ वेरिफिकेशन कोड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट्स अप्लाई, ठीक है। तो आपको गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो गेट कोड पे मैंने क्लिक किया है तो मेरे मोबाइल पे एक ये होना चाहिए, ठीक है ना, ओटीपी आना चाहिए। तो आ चुका है, वो ओटीपी मैं एंटर कर लेता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना होता है वेरीफाई बटन पे, तो मैं वेरीफाई पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो नंबर क्या हुआ, अपडेटेड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बेसिकली अपने जीमेल एड्रेस में खुद का फोन नंबर अपडेट करके जीमेल को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू स्टेप्स वेरिफिकेशन की, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद हम अपने जीमेल अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, तो वो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू।